जनपद हाथरस में हुई 122 मौतों के जिम्मेदार ने आखिरकार पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भोले बाबा के अधिवक्ता एपी सिंह ने उसको आत्मसमर्पण कराया है। एक तरफ पुलिस यह कह रही है कि उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन अधिवक्ता एपी सिंह ने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ बताया है। मुख्य आरोपी के आत्मसमर्पण के बाद पहली बार भोले बाबा मीडिया के सामने आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं इस खबर के जरिए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हादसा 2 जुलाई के दिन उस समय हुआ था जब भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और सत्संग के बाद यहां ऐसी भगदड़ हुई जिसमें 122 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद भोले बाबा गायब बताए जा रहे थे। वहीं केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना को लेकर बेहद गंभीर थी, तमाम तरीके की घटना को लेकर चल रही थी, जिसमें FIR भी नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी और 5 जुलाई की देर शाम पूरी घटनाक्रम के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर का समर्पण भोले बाबा के अधिवक्ता एपी सिंह ने दिल्ली से कराया है और उन्होंने जानकारी देते हुए आखिरकार क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। हाथरस प्रकरण में जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें, हमने उनको सौंप दिया है। तो सुना आपने, बड़े घटनाक्रम के मुख्य आरोपी के समर्पण करने के बाद जिस व्यक्ति की पूरी देश को तलाश थी, वह व्यक्ति भोले बाबा भी आखिरकार मीडिया के सामने आ ही गए। ऐसे ही सबसे बड़े न्यूज एजेंसी एशियन एजेंसी सामने भोले बाबा ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। जो भी उपद्रवकारी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।